हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो आज हम लोग जा रहे हैं आरटीओ, और हनी विनी को दोनों को ले जा रहा हूं मैं लाइसेंस बनवाने। और कैसे लाइसेंस बनता है, इसका पूरा प्रोसेस क्या है, और कुछ और वहां पे अगर झोल वगैरह होता है तो वो भी आपको बताते रहूंगा। तो चलो, देर किस बात की, चलते हैं। क्या हुआ, सोच रहे हो? अभी भी मैं यहीं पर हूँ। मास्क असल में मैं भूल गया था, फिर से भूलने वाला था। अच्छा हुआ याद आ गया निकलने से पहले। तो हम लोग निकल रहे हैं कार से, क्योंकि तीन लोग हैं तो ट्रिपलिंग कर नहीं सकते, और दो बाइक ले जाने से अच्छा है एक कार ले जाना। तो निकलते निकलते सोचा कि इसको थोड़ा पेट्रोल पिला दें। के बाहर हम लोग खड़े हैं, पर पोपट हो गया अपना, क्योंकि पता चला है कि अब सिर्फ सिर्फ ऑनलाइन ही हो रहा है। मुझे पता था कि ऑनलाइन स्टार्ट हो गया है अप्लाई होना लर्निंग का लाइसेंस, पर सिर्फ ऑनलाइन हो रहा है ये नहीं पता था। और साथ ही साथ थोड़ा बहुत आइडिया पहले ही लग गया था, क्योंकि हम लोग तो डायरेक्ट ऑफिस में जा रहे थे, पर बाहर दलाल वगैरह खड़े रहते हैं और वो पीछे पड़ जाते हैं कि यार लाइसेंस बनवा लो, हमसे बनवा लो, हमसे बनवा लो। पर ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे, शायद उन लोग की मार्केट जो है डाउन हो चुकी है, यानी कि उनका जो धंधा है वो बंद हो चुका है। तो अच्छी बात है, ऑनलाइन सब फेयर तरीके से होना चाहिए। चलो चलते हैं। तो अभी एक आंटी मिल गई थी और बोली थी 10 रुपये दे दो। मैं बोला चलो ठीक है, दे देते हैं। मैंने उनके बारे में इंक्वायरी की थोड़ा बहुत, तो पता चला उनका हस्बैंड जो है गुजर गए हैं। और मैंने बोला बच्चे वगैरह नहीं है, तो बोले 4-5 बच्चे हैं, पर जो लड़का है वो छोटा है और लड़कियां भी हैं, अभी ज़्यादा बड़ी नहीं हुई हैं। और मैं बोला कि कुछ खुद काम नहीं करती हो, क्योंकि उसने शॉल पहन रखा था तो पता नहीं चल रहा था, और अचानक से उसने शॉल हटाया तो हाथ वगैरह उसका टूटा हुआ था। मैंने बोला ज़रूरी है ऐसे लोग की मदद करना। तो असल में हुआ ये था कि वो स्टार्टिंग में ऐसे ही देख के हम लोग को बोल रही थी कि बड़े स्मार्ट लग रहे हो बेटा, और मैं सोचा चलो मजाक वजाक कर रही हैं, शायद यहाँ पे विन्नी ज़्यादा पसंद आ गया उनको। पर जब मैंने डिटेल में बात की उनके बारे में जाना, तो मैं बोला कि हाँ बिल्कुल, इनको ये नीडी है, इनको ज़रूरत है इस चीज़ की। टाटा टिकोर, तो अब टाटा काफ़ी अच्छे परफॉर्म करने लगी है और काफ़ी अच्छी कारें उन्हें बनाई हैं। हालांकि पहले वो बदनाम थी काफ़ी, लुक के मामले में तो काफ़ी ज़्यादा बदनाम थी, क्योंकि उनकी कारों में कोई भी लुक नहीं होता था। पर अब काफ़ी अच्छा यहाँ पे वो परफॉर्म करते हुए दिखाई दे रही है काफ़ी समय से। तो मैं सोच रहा था कि यहाँ पे एक अपना ऑफिस है वहाँ हो लेते हैं, और वो पीछे छूट गया, तो यहीं पर अपनी कार पार्क करके और चलते हैं। ऋषभ भाई वहाँ पर हैं तो उनसे मुलाकात भी हो जाएगी। यहाँ पे हैं ये ऋषभ भाई और इनका ये ऑफिस है। आपको मैं बता दूं, जो मैंने नगराम रोड पे साइट दिखाई थी, यहाँ पे ये रायबरी रोड को लिंक करती है। साथ ही साथ उसमें मैंने इस चीज़ को कवर करना भूल गया था कि ये सुल्तानपुर रोड को भी ये लिंक करती है। तो अगर आपको उस रोड पे कोई साइट चाहिए तो वन ऑफ द बेस्ट साइट है यहाँ पे, आप देख सकते हैं। और यहाँ पे आपको प्लॉट्स भी मिल जाएंगे, और साथ ही साथ यहाँ पे ऋषभ भाई खुद का कुछ प्रोजेक्ट जो है यहाँ पे ला रहे हैं, और पेट्रोल पंप वगैरह जो यहाँ पे आपको अवेलेबल होगा। और उस वीडियो को आप प्रॉपर जाके देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा ऊपर आई बटन पे क्लिक करके। We'll be right back.
अब आ चुके हैं घर पे, गाड़ी कर दी है पार्क। चलो कुछ काम धाम करो यार, क्या यार दिन भर बैठ के वीडियो देखते रहते हो। मैं नहीं कह रहा हूँ, घर वाले यही कहते होंगे ना आप लोग को, वीडियो देखो यार जरूरी है, उन लोग को समझाओ यार इंजॉयमेंट भी जरूरी है। तो चेन वाला हाँ, तो वीडियो को पसंद आने पर जरूर सब चेन बनवा लेंगे, रुक जाओ। हाँ तो वीडियो को पसंद आने पर जरूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। अगले टॉपिक में फिर मिलते हैं, खुश रहिए, अपने लिए अपनों के लिए उसके लिए हमारी वीडियो देखते रहिए। सी यू अगेन, गुड बाय।